हेलो एवरीवन, करते हैं पर्सनालिटी 3.1 का पांचवा न्यूमेरिकल। और इस वीडियो में हम पांचवा, छठा और सातवां तीन न्यूमेरिकल करेंगे। पहले पांचवें को देखते हैं। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर, और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी उसकी भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात करनी है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में इसका। माना भाग की लंबाई भाग की लंबाई कितनी मान ली हमने, x मीटर, और भाग की चौड़ाई मान ली हमने y मीटर, ठीक है। उसके बाद अगला जो काम किया है वो क्या है, भाग का परिमाप वैसे क्या होता है। अगर भाग का परिमाप अगर लिखेंगे आप, तो भाग का परिमाप किसके बराबर होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है भाग का परिमाप, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर इसका अर्ध परिमाप कहें हम, भाग का अर्ध परिमाप यानी क्या था, तो क्या कर देंगे, 2 × एक्स प्लस वाई को 2 से भाग कर दीजिए, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई, ये इतने मीटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, अब पहली शर्त क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, x, चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर अधिक है। पहली कंडीशन तो ये बन गई आपकी। दूसरी शर्त के अनुसार क्या होगा, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त में क्या बताया था कि अर्ध परिमाप कितना दे रखा है इसका, 36 दे रखा है। अर्ध परिमाप दे रखा है 36। अर्ध परिमाप क्या दे रखा है, 36। तो एक तो यहां से बनाएंगे टेबल, इससे बनेगी, और दूसरा अर्ध परिमाप 36, और अर्ध परिमाप को यहां हमने किसके बराबर निकाला है, x प्लस वाई के, यानी क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई बराबर किसके, 36 के। अब वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में हम आलेखीय विधि, ग्राफीय विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको ग्राफीय विधि से ही करना चाहिए। तो पहले तो इस टेबल को बना लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 वाली को इस टेबल को बनाएंगे। बिल्कुल ईजी सी है, बिल्कुल आसान सी टेबल है ये। x ले लिया, ये y ले लिया, यहाँ y की वैल्यू रखते चलो, x की आ जाएगी, y बराबर रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, तो x कितना आ जाएगा, 4, फिर y बराबर 4 रख दिया, x कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, और फिर y बराबर हमने जो है, अगर हम y बराबर ले लें 8 ले लें, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ये टेबल हुई हमारी, तो आपके ये टेबल होगी। उसके बाद दूसरी इसकी टेबल बनाते हैं, x प्लस वाई बराबर 36 का। अगर इस टेबल की बात करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, देखिए इस टेबल में करेंगे हम, x बराबर क्या बन जाएगा हमारा, 36 माइनस वाई, और इसकी टेबल ये यहीं सीधी बन जाएगी, अभी डायरेक्ट बन जाएगी, ये रखने की जरूरत नहीं है, वाई बराबर 1 रखने पर, 2 रखने पर सीधी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब यहाँ देखिए, जनरली हम क्या सोचते हैं, सर 0 भर लीजिए, 0 भरेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 36, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो हमें जो है ग्राफ, इस तरह का ग्राफ ड्रा करने में फिर दिक्कत होगी। तो मैं थोड़ी सी वाई का मान थोड़ा सा बढ़ा ले लेता हूँ, मान लीजिए हम ले लेते हैं 8, 12 ले लेते हैं, वाई का मान ले लिया 12, 36 में से 12 गए, x कितना रह गया आपका, 24, ठीक है।
फिर 12 के बाद हमने ले लिया 16, y का मान कितना ले लिया, 16 ले लिया, तो 36 में से फिर 16 जाएंगे, कितना रह जाएगा आपका 20 रह जाएगा। फिर y का मान 12, 16, फिर मैंने ले लिया y का मान ले लिया 20, x का क्या हो जाएगा, 36 में से 20 जाएंगे, कितना रह जाएगा, 16 रह जाएगा। तो ये दो टेबल बन गई हमारी, और इन काम जो है ग्राफ खींचते हैं। आप देखिए इस ग्राफ में क्या करेंगे, ये दो टेबल हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है हम अपना ग्राफ खींचते हैं, कि जो दो टेबल हैं इनके अकॉर्डिंग। पहले वाले ग्राफ में देखिए, पहले वाले में x बराबर 4, y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0, तो इसके अंदर ये पॉइंट हो जाएगा आपका x बराबर 4 और y बराबर 0, ये पॉइंट हो जाएगा 4 और 0 का, x बराबर 4 और y बराबर 0, लिख देता हूँ यहाँ पे 4-0 पॉइंट होगा आपका। दूसरा क्या है आपका, x बराबर 8 और y बराबर 4, x बराबर 8 और y बराबर 4, ये पॉइंट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, x 8 है और y कितना है, 4 है। तीसरा जो पॉइंट क्या आपका, x बराबर 12 और y बराबर 8, x बराबर 12 और y बराबर 8, ये पॉइंट हो जाएगा, x 12 और y कितना आपका 8, 12 की और 8 को दोनों को जो है सीध में करके ना, और फिर इस ग्राफ को इसको स्केल से हम इसको मिला देंगे, और स्केल से मिलाएंगे तो इस ढंग से आपकी जो ही लाइन आ जाएगी, इस ढंग से आ जाएगी, ये आपकी ग्राफ आ गया इस ढंग से। किसका ग्राफ बनाया हमने, ये पहले वाले का, किसका, x इज इक्वल टू y प्लस 4 का बनाया ग्राफ हमने, किसका बनाया है, x इज इक्वल टू y प्लस 4 का ग्राफ बनाया है, x इज इक्वल टू y प्लस 4, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब दूसरा जो टेबल है उसका ग्राफ ड्रा करते हैं, दूसरे वाले टेबल का। दूसरे वाले टेबल में देखिए क्या क्या दे रखा है, दूसरे वाले में x बराबर 24, y बराबर 12, x 24 ये रहा और y 12 ये रहा, तो 12 और 24 जहाँ मिलते हैं ग्राफ में, 12 और 24, ये 24 ये 12, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, x 24 है और y कितना है यहाँ पे आपका 12 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आपका, x 20 और y 16, x 20 और y 16, यहाँ जाएगा ये, x 20 और y कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है, x 16 और y 20, x 16 और y 20, x 16 और x 16 और y 20, देखिए यहाँ से y 20 और x कितना है, 16 है, ये पॉइंट आपका क्या है, 16 और 20, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, और फिर इसको मिला दीजिए, तो ये आपका दूसरी टेबल का ग्राफ आ जाएगा, ये हो गया। और ये किस, कौन से का ग्राफ था ये, x प्लस वाई बराबर 36 का, किसका था ये, x प्लस वाई बराबर 36 का, इसका है, तो यहाँ क्या लिख देना चाहिए हमें, x प्लस वाई बराबर 36 है जी, ये हो गया। अब इस ग्राफ से हमें, अब ये दोनों ग्राफ अगर देखते हैं इस पॉइंट पे मिल रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट, इनको अगर पॉइंट के नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये आप पॉइंट डी है, इसको ई कह दीजिए, इसको एफ कह दीजिए, ये सारे पॉइंट लिख दिए। अब यहाँ की दोनों जो ग्राफ खींचे हमने, दोनों टेबल के, दोनों समीकरण के, वो किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, पॉइंट डी पर मिल रहे हैं, और पॉइंट डी आपका क्या है, 20 और 16, तो क्या लिखेंगे, दोनों जो हमने ग्राफ ड्रा किए हैं दोनों के दोनों, वो आपको कहां पर मिल रहे हैं, 20 और 16 पे, रैखिक समीकरणों के युग्म जो ना, कहां मिल रहे हैं आपके, दोनों रेखाएं डी
20 16 20 16, डी क्या आपका 20 और 16, पर प्रतिच्छेद करती है 20 16 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब ये 20 क्या आपका, ये तो x की वैल्यू है और 16 क्या है y की वैल्यू है। x हमने किसको माना था, लंबाई को, x हमने किसको माना था, लंबाई को x माना था, चौड़ाई को क्या माना था, y माना था। इसलिए इसलिए बाग की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 20 मीटर, बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई वो आपकी क्या हो जाएगी 16 मीटर। और इस ढंग से आपका ये पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करते हैं नेक्स्ट, करते हैं छठा क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया गया है। एक समीकरण ये दे रखा है, ठीक है जी। एक अन्य रैखिक समीकरण लिखिए, एक और रैखिक समीकरण हमने लिखना है, और लिखिए कि इस प्रकार बने युग्मों की, दूसरा समीकरण और जो आप लिखेंगे कि उनकी युग्मों का आलेखीय निरूपण, उनका अगर आप आलेख खींचें तो पहले पार्ट में कह रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएँ हों, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है समांतर रेखाएँ हों, और तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है संपाती रेखाएं। तो एक्चुअल में इनके आरेख के तीनों पार्ट के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जो आपकी दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण वो तो क्या दे रखी है आपकी 2x + 3y - 8 = 0, ये दे रखी है आपकी समीकरण। और हमने लिखनी है एक और समीकरण जिससे कि इनका ग्राफ जो है क्या जाए आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाए। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती थी प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कंडीशन क्या थी, शर्त क्या थी आपकी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये शर्त होती थी। यानी कि दूसरी समीकरण जो हमने लिखनी है वो इस ढंग से लिखनी है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो। इसलिए वांछित जो आपकी रैखिक समीकरण होगी, तो वांछित रैखिक समीकरण कोई भी लिखिए आप, कोई भी, और इस ढंग से लिखना है कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं आनी चाहिए। जैसे बिल्कुल इसी से लिख लेता हूँ युग्म, जैसे कि आपका 2x था, मैं यहाँ पर भी 2x लिख लेता हूँ, फिर यहाँ मेरा +3y नहीं आना चाहिए, बस यहाँ +3y नहीं आना चाहिए, तो मैं यहाँ क्या कर दूँ +4y कर दूँ बस। और आगे कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, +10 + 20 कुछ भी लिखिए। अब यहाँ अगर आप करके देखोगे ना, देखिए 2/ ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, a1/a2 2/2 1, b1/b2 क्या बनेगा आपका 3/4 होगा। इतना ही करना आपको, वैसे मैं अगर बताऊँ आपको, यहाँ देखिए a1/a2 2/2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, b1/b2 कितना, b1 कितना है 3, b2 कितना है 4, 3/4। तो क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो हमारा सेटिस्फाई होगी बस। तो ये जो वांछित समीकरण बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी, सिर्फ क्या ध्यान रखना हमने कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं आनी चाहिए, इस कंडीशन का ध्यान रखना बस, बाकी सब चलेगा, कुछ भी लिख दीजिए आप इसमें, ठीक है। अब समांतर रेखाओं के लिए क्या होगा, फिर देखिए कोई ग्राफ व्राफ नहीं खींचना, इसने सिर्फ ये बताना है कि अगर इनका ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएँ क्या आनी चाहिए आपकी, प्रतिच्छेदी आनी चाहिए। अब समांतर रेखाओं के लिए क्या चाहिए, दोबारा लिख देता हूँ दी गई समीकरण क्या आपकी, दी गई समीकरण वो तो हमारी 2x + 3y - 8 = 0, और समांतर रेखाओं के लिए शर्त, समांतर
रेखाओं के लिए शर्त। अब समांतर रेखाओं वाले में शर्त क्या थी आपकी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। समांतर रेखाओं के लिए शर्त होती थी आपके लिए, समांतर रेखाओं के लिए शर्त क्या थी आपकी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं, समांतर रेखाओं के लिए क्या थी शर्त, के लिए शर्त क्या थी आपकी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, ये शर्त थी। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है ना बनाइए, यानी कि A1 बटा A2 तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर आ जाए आपके, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखते हैं इसके अंदर, वांछित समीकरण, वांछित रैखिक समीकरण, ऊपर भी रैखिक लिखना था, वांछित रैखिक समीकरण इसके हिसाब से लिखी, देखिए 2x + 3y है, चाहे तो इन दोनों को उसको नहीं, चाहे तो इन दोनों को 2 से गुणा कर दो, चाहे इन दोनों को 3 से गुणा कर दो, चाहे इन दोनों को 4 से गुणा कर दो, सेम कर दो। तो मैं जैसे 4 से कर रहा हूँ, चाहे 2 से कर दो, 3 से कर दो, चलो 3 से कर देते हैं, 3 × 6x, 3 × 9y, ऐसा क्यों किया, देखिए 2/6 करूँगा कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 3/9 करूँगा कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और यहाँ जो है ना फिर अगला, ये आपका -24 नहीं होना चाहिए, बस देखिए 2/6 करूँगा, 2/6 करूँगा 1/3 हो जाएगा, यानी A1/A2 हो जाएगा आपका, B1/B2 करूँगा तो 3/9, ये भी 1/3 हो जाएगा, B1/B2। यहाँ क्या आपका ये -8 है, नीचे बस क्या नहीं आना चाहिए, -24 नहीं आना चाहिए, क्योंकि -24 आते तो कट के क्या बन जाएगा आपका 1/3 बन जाएगा। तो ये -24 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी, वो सारी की सारी आपकी वांछित समीकरण बनेगी उससे, यानी -24 के अलावा यहाँ कुछ भी, चलो मैं यहाँ +24 कर देता हूँ, +25 कर देता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, बस क्लियर इतना है, ठीक है। अगला देखिए, जब रेखाएं संपाति हों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले वही लिख लेता हूँ एक बार, तो दी गई समीकरण लिख लेते हैं एक बार, तो दी गई समीकरण क्या आपकी 2x + 3y - 8 = 0। अब संपत्ति रेखाओं के लिए शर्त, संपत्ति रेखाओं के लिए शर्त क्या होती है आपकी, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, संपत्ति रेखाओं के लिए समीकरण है। तो अब वांछित समीकरण आसान सा है, सारे आसान थे एक्चुअल में, वांछित रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण देखिए सारे बराबर होने चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन सब को 2 से गुणा कर दो, या 3 से कर दो, या 4 से कर दो, या 5 से कर दो, 100 से कर दो, 200 से कर दो, किसी से भी कर दो, मैं 2 से कर रहा हूँ वांछित रैखिक समीकरण, 2 से करूँगा 2 × 4x, 2 से करूँगा 2 × 3 = 6y, और 2 से करूँगा 2 × 8 = 16, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब इनका अगर आप वैल्यू निकालोगे ना, A1/A2 2/4 1/2, B1/B2 निकालोगे तो ये कितना 3 और ये कितना 6, 3/6 क्या 1/2, C1/C2 निकालूंगा, C1 क्या है -8, C2 क्या है -16, ये भी क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि बराबर तो आने ही थी, क्योंकि सबको मैंने सारों को क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया, 3 से करोगे तो सबका 1/3 आ जाएगा, 4 से गुणा करोगे सबका 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, और इस ढंग से आपका जो ये क्वेश्चन 6 जो है कंप्लीट है। अब करते हैं क्वेश्चन 7th जो है,